माँ मुरीबा को लेकर आ गए, चले चले रस्में करनी है। अच्छा ठीक है, चले जल्दी चले। भाई और भतीजी की मोहब्बत में चली गई, खाली हाथ जाते हुए अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए तोहफे साथ लेकर गई। अरे मुझे क्या पता था कि अनमोल इस बात को लेकर इस तरह से आग लगाएगी। ये तो अच्छा हुआ जो उस फितनाबाज लड़की से मैंने तुम्हारी शादी नहीं कराई। यहाँ आ जाती ना तो इसी तरह से छोटी छोटी बातों पर हम माँ बेटे को आमने सामने खड़ा कर देती। सारे जानती हूँ मैं तुम्हें, उसके बारे में कुछ नहीं सुन सकते। सारिम, सारिम, मेरी तो दुआ है जल्द से जल्द उसके निकाह की मिठाई आए ताकि मेरे बेटे की जान छूटे उस चुड़ैल से। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती मुझे डर लगा रहेगा कि लड़का तो आज भी पागल है उसके पीछे। अब बाजी ये मिठाई का क्या करना है? मुझे क्या पता है क्या करना है, कचरे में फेंको या बाहर सड़क में फेंक दो। कचरे में क्यों फेंकूं? ये मैं अपने घर ले जाती हूँ अपने बच्चों के लिए। बेटियों की इज्जत वाकई कांच की तरह नाजुक होती है, शायद कांच से भी नाजुक। हवा मैं सिर्फ शानी की बहन की वजह से खामोश रही हूँ। हरीबा और शानी का रिश्ता टूटा ही या नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फिक्र थी तो सिर्फ शाजिया भाभी की। मैं नहीं चाहती थी उनका बसा बसाया घर उजड़ जाए। शानी ने मुझे बदनाम किया, मेरा घर बसते बसते रह गया। मैं जानती हूं उजड़ने का कर्ब क्या होता है, ख्वाब टूटने की अजियत क्या होती। जो अजियत उसने मेरे हिस्से में दी थी मैं उसकी बहन को नहीं देना चाहती थी, इसलिए वहां से आ गई। मुझे तुम पे फखर है बेटा, शाबाश। पापा मेरा दिल चाह रहा था मैं शानी को जलील होता हुआ देखूं, उसी तरह रुस्वा होता हुआ देखूं जिस तरह मेरी मंगनी पर उसने आपको और मुझे किया था। मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रीबा उसको छोड़ देती है, मैं चाहती थी कि मैं देखूं वो तमाशा, लेकिन मैं रुक गई, अल्लाह के खौफ से डर गई थी।
बेटा, अल्लाह को वो नेकी बहुत पसंद है जो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए की जाए। तुम्हारी नेकी जाया नहीं होगी। मुझे फख्र है बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। फख्र है, शाबाश। किसकी कॉल आ गई है? किसका नंबर है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन? वालेकुम अस्सलाम, मैं हमाद। हमाद कौन? हमाद आपका फियांसे। कैसी हैं आप? जी खैरियत। क्यों कॉल की आपने? क्यों, मैं आपको कॉल नहीं कर सकता। अनमोल, आप मेरी फियांसे हैं, कम से कम इतना हक तो दें कि मैं आपसे बात कर सकूं। जी बोलें, क्या बात करनी है आपको? कुछ अपने दिल की कहनी है, कुछ आपके दिल की सुननी है। और इस वक्त इसलिए फोन किया ताकि आप मसरूफियात का बहाना ना कर सके और हम ढेर सारी बातें करें। और कह दो ना, सुनो प्लीज 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 कह दो। I love you too, अम्मा। हटिंग मत कर मेरे साथ। और ये तू आते ही फोन पे लग गए। अरिबा से बात किए बगैर क्या तुम्हें चैन नहीं आता? फिर अभी तू वहां से आया है और आते ही फोन लेकर बैठ गया। अम्मा वो आप लोगों के पूछ रही थी, परेशान हो रही थी कि हम खैरियत से पहुंच गए। आपका अप्पा का पूछ रही कि उन्होंने खाना खाया, वो ठीक हैं, कोई परेशानी तो नहीं हुई। अच्छा अच्छा, हमारे खाने का पूछ रही थी कि हमने खाना खाया कि नहीं खाया। तुम्हें अपनी माँ के शक्ल से बेवकूफ लगती है? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। सब जानती हूँ मैं। अभी सिर्फ मंगनी हुई है, शानी है, मंगनी हुई है, और इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारी सारी रात बैठ कर तुम अरिबा से बातें करो। भूख लगी, भूख लगी, खाना दे दो। हाँ वो तुम्हारी सास ने देगे जो भिजवाई है साथ। हट, कमीना ना हो तो। अब क्या आधी रात को तुम्हें खाना निकाल के दूं? तुम्हें नहीं पता कि उसने भिजवाई कि नहीं भिजवाई? अम्मा माफ कर दो यार, मंगनी थी, बारात थोड़ी थी कि दुल्हन के साथ खाना भी आता। बात कर रही है? अरे क्यों, अपनी दफा तो उसने बड़ा मुंह खोल के कह दिया था। क्या? कि खाना साथ में भिजवाना, हमारे यहाँ लड़की की तरफ से खाना रस्म में आता है, रिवाज है। और अपनी दफा जब अपनी बेटी की बारी आई तो सारे रस्म रिवाज भूल गई वो। और तुम्हें पता है उस वक्त तुम्हारे अब्बा ने कोरमे की एक देग, एक बिरयानी की और इतना थाल भर के मीठा भिजवाया था, और फिर भी मैडम नखरे कर रही थी कि मेहमानों को पूरे नहीं आए। अरे माफ कर दो यार, अम्मा तुमसे खाना मांग लिया, तुम तो घड़े मुड़ते हो खाने बैठ गई यार। अरे वाह वाह बेटा वाह, है बड़ा बुरा लग रहा तुझे? अरे मैं तो तेरी सास को कह रही हूँ और तुझे बुरा लग रहा है, और अभी तो तेरी सास भी नहीं बनी वो। क्या बात है, ये है आजकल की औलाद, आजकल की नस्ल। माँ का एहसान नहीं मानना और बस चले तो सास के कदमों में बैठे रहो। माँ तुम्हारे कदमों में बैठे रहो। चालक कमी ना ना हो तो। अरे यार माँ गुस्सा बहुत करती है तुम्हें। अच्छा सच में आई लव यू टू। तुम्हारे लिए खाना देखती हूँ।